उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय था कि जब उत्तर प्रदेश को उपद्रव के लिए जाना जाता था, माफियाओं के लिए जाना जाता था, गुंडों के लिए जाना जाता था, मवालियों के लिए जाना जाता था, और फिर जनता ने इससे परेशान होकर बदलाव किया और अब उत्तर प्रदेश को उत्सव प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। अच्छा दौर था तो बुरा दौर भी उत्तर प्रदेश के सामने आया। बुरा दौर किस रूप में? राजनीतिक संक्रमण का एक ऐसा दौर भी आया था जब उत्तर प्रदेश के सामने अपनी पहचान को छुपाने और पहचान को बचाने का एक संकट भी आया था। यह वही प्रदेश है जो कभी पहले दुनिया और देश और दुनिया जिसे उत्सव के रूप में जानी जाती थी वो उपद्रव में बदल गया। यह वही प्रदेश है जो अपने महोत्सव के लिए जाना जाता था, जिसने देश को महोत्सव दिए। दीपावली कैसे होनी चाहिए? आप जाइए अयोध्या से, अयोध्या ने दुनिया को दिया, लेकिन यहां पर महोत्सव नहीं। देव दीपावली कैसे होती है? दीपावली के 15वें दिन देव दीपावली कैसे काशी में होती थी? जिस उत्तर प्रदेश ने दिया। होली का रंगोत्सव कैसे होना चाहिए? जिस उत्तर प्रदेश ने दिया था। महोत्सव और पर्वों के उत्तर प्रदेश ने पर्व और महोत्सव को विस्मृत करके राजनीतिक संक्रमण के उस दौर में उत्तर प्रदेश को माफियाओं की गिरफ्त में ऐसे झगड़ा था कि जैसे लगता था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन 9 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर आई एक नई आशा और नई आकांक्षाओं के साथ देश ने बदलाव देखा और उस बदलाव की छटपटाहट यहां पर भी महसूस की जाने लगी। लोगों ने उस बदलाव को अपने साथ जोड़ने का कार्य किया और आज विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए बदलाव आप सबके सामने है।